आज लल्ला का हैप्पी वाला बर्थडे है, तो आज लल्ला बाबू जल्दी से उठ गए हैं और जल्दी जल्दी नहा रहे हैं क्योंकि लल्ला को पूजा भी करना है। तो धूप भी बहुत तेज़ हो गई है, लेकिन अभी सुबह का समय है और इतनी तेज़ गर्मी है यहाँ कि कहना ही नहीं है। और लल्ला बाबू जल्दी से नहाकर निकलेंगे, उसके बाद लल्ला पूजा करेगा। लल्ला नहा लिया, नहाने के बाद लल्ला ने गमछा को लपेट लिया है और अब लल्ला जा रहा है पूजा करने। तो लल्ला आज खुद से कपड़ा पहन रहा है, वैसे इसे आता है कपड़ा पहनने, बस गंजी पहनने में थोड़ा सा इसे दिक्कत होता है। तो लल्ला बाबू जल्दी जल्दी कपड़ा पहन के और जा रहे हैं फूल लेने। फूल लेने के बाद लल्ला बाबू पूजा कर लेंगे। तो हमारे घर में लाल उड़हल का भी पेड़ है और लल्ला फूल तोड़ के ले आया है, तो इसे हम जल चढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। तो मैं किचन में काम कर रही थी तो पीहू को ही मैं बोली कि लल्ला को बतला दो पूजा करने के लिए, इसे इसे पूजा करने उतना नहीं आता, अभी बहुत छोटा है, लेकिन बतलाने के बाद सारे चीज़ें ये कर लेता है। तो लल्ला को पीहू ही बता रही थी क्योंकि पीहू भी हर रोज़ जल चढ़ाती है सूर्य भगवान को, तो लल्ला को बतला रही थी कि कैसे पूजा करना है। तो लल्ला ने तो पूजा बहुत ही अच्छे से कर लिया। लल्ला की पूजा हो गई और लल्ला ने भगवान जी से बहुत कुछ मांगा है, वो मैं आपको बाद में बतलाऊंगी। ताकत लगाओ, ताकत ताकत लगाओ। और यहाँ बच्चे बर्थडे की तैयारियाँ कर रहे हैं, डेकोरेशन कर रहे हैं और बलून फुला रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा बलून फूट रहे थे, पता नहीं क्यों, गर्मी की वजह से शायद। तो मैं बोली कि कुछ देर बाद बलून फुलाना क्योंकि बहुत ज़्यादा बलून फूट गए थे। और फ्रेंड्स यहाँ देखिए लल्ला के लिए बहुत सारे गिफ्ट आए हैं, लल्ला अपने दुकान से बड़ा सा जीप निकाल कर लाया है। और इतनी तेज़ गर्मी है कि बर्थडे की तैयारी भी करने में हमारी हालत ख़राब हो रही है, बस मतलब गला इतना सूख रहा है कि कहीं से भी आओ बस तुरंत पानी पीने के लिए चाहिए, वो भी एकदम चील ठंडा पानी पीने के लिए। तो लल्ला तो बहुत खुश है और खेल रहा है, तो मैं जा रही हूँ देखने की और बाकी की तैयारियाँ कैसे हो रही हैं। मेरा थम्स अप, चल लल्ला, चीयर्स, पीते हैं। तुम्हारा खत्म हुआ बर्थडे में? लल्ला का बर्थडे में तो सबका मजा ही मजा है ना। दे अच्छा, हाँ पलटो पलटो, हम भी हैं अकेले के, मम्मी को नहीं, हम भी हैं जोश में, मम्मी रो होश में। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स डेकोरेशन हो गई, बहुत ही अच्छे से बच्चों ने सजा लिया है, बहुत ही खूबसूरत सभी बच्चों ने मिलकर ये डेकोरेशन किया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और लल्ला तो बहुत ही खुश है देखकर। और सभी लोग आ गए हैं, अब बस कुछ ही देर में हम केक कटिंग करेंगे, कुछ लोग अभी आने के लिए बचे हुए हैं। तो बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें, बहुत ही समय पर सारी चीज़ें हो गई, तैयारियां भी बहुत ही अच्छे से हो गए। चाचा जी आए हुए हैं, चाची भी आई हुई हैं और मेरी देवरानियां भी आई हुई हैं, बच्चे हैं, पीहू राजा के फ्रेंड हैं, लल्ला के फ्रेंड हैं, तो बहुत सारे लोग आ गए हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं आ पाए क्योंकि गर्मी की छुट्टी है, तो सभी लोग घूमने गए हैं, कुछ नानी के यहाँ गए हैं, तो कोई बात नहीं। लल्ला वैसे भी खुश है कि उसका बर्थडे मन रहा है और काफ़ी लोग भी आ गए हैं, तो अब हम बस तैयारियां ही कर रहे हैं। केक भी आ गया है तो थोड़ी ही देर में केक कटिंग होगा और बच्चे धमाल करेंगे। तो केक तो बहुत ही अच्छा बन गया है लल्ला का, लेकिन गर्मी की वजह से केक थोड़ा सा पिघलने जैसा हो गया था, तो केक आने के बाद तो हमने फ्रीज़र में ही रखा था ताकि ये अच्छे से रहे, और उसके बाद निकाल कर फ्रिज में डाल दिया था। तो लल्ला तैयार है केक कटिंग करने के लिए और बच्चे भी तैयार हैं, तो मैंने बच्चों को बोला कि साइड हो जाओ, क्योंकि हमने मोबाइल को एक ऐसे जगह पर रखा था जिससे आराम से रिकॉर्डिंग हो, क्योंकि मोबाइल लेकर हम केक कटिंग कैसे करवाते और सभी बच्चों को देखना था, एंजॉय करना था, तो इसलिए हमने मोबाइल को ऐसे जगह पर रख दिया था जहाँ से सारी चीज़ें अच्छे से दिखे और रिकॉर्डिंग हो। तो आप भी देखिए केक सामने है, बहुत ही खूबसूरत केक है। तो फ्रेंड्स अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट में हैप्पी बर्थडे ज़रूर लिखिएगा, लल्ला को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो पूरी कोशिश मैं करती हूँ कि वीडियो अच्छी से अच्छी बने, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो जाती है मोबाइल में जिस कारण वीडियो कभी कभी क्लियर नहीं आ पाती, तो मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आए। तो ये हमारे गाँव का
जो कर लीजिए बर्थडे गांव में मन रहा है बच्चों का, तो गांव में इसी तरह से हम बर्थडे मनाते हैं और बच्चे बहुत खुश हैं। मम्मी जी अब लल्ला को तिलक लगाएंगी और उसके बाद लल्ला की आरती उतारेंगी, फिर केक कटिंग होगा। तो हमारे यहाँ जिसका जन्मदिन होता है उसे भी तिलक लगाया जाता है और जितने बच्चे होते हैं सभी को तिलक लगाया जाता है और उसके बाद फिर हम केक कटिंग करते हैं। तो गांव में आपके यहाँ कैसे बर्थडे मनता है, आप जन्मदिन कैसे मनाते हो ज़रूर कमेंट करके बताना और क्या क्या करते हो। बहुत ही बच्चे इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि बहुत दिनों के बाद सब मिल रहे हैं, छुट्टी में ही मिल पाते हैं बच्चे, वैसे तो सभी की पढ़ाई होती है तो बच्चे फिर बिजी हो जाते हैं और अभी सारे बच्चे मिल रहे हैं तो इन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा है और हमें भी अच्छा लग रहा है कि हम भी जब छुट्टी होती है तभी हम आ पाते हैं बच्चों के साथ गांव। तो पीहू का भी जन्मदिन हमने गांव पे ही मनाया था तो इस बार तो बहुत ही अच्छे से मन गया लल्ला का बर्थडे और पीहू भी लल्ला के बर्थडे में बहुत सारी तैयारियां की हैं अपने फ्रेंड लोग के साथ। तो सभी बच्चों को थैंक यू, बहुत ही अच्छे से सब ने डेकोरेशन किया और बहुत ही मेहनत की लल्ला का बर्थडे मनाने के लिए, धूमधाम से सभी को थैंक यू। तो अब केक कटिंग होगा और उसके बाद सभी बच्चे खाएंगे पियेंगे मस्ती करेंगे और फिर अपने अपने घर चले जाएंगे क्योंकि शाम हो गई है 7:30 बजे के आसपास। हमने केक कटिंग करवा दी थी क्योंकि यहाँ गाँव है तो ज़्यादा रात तक लोग नहीं रुकते, अपने अपने घर चले जाते हैं। गर्मी की वजह से थोड़ा और लेट हो गया, नहीं तो और जल्दी केक कटिंग हम करवा लेते। तो आप भी देखिए और इन्जॉय कीजिए। तो लल्ला का बर्थडे अब मनने वाला है और तैयारियां भी हो गई है, आप लोगों को तो पता ही है, बस हमने मोमबत्ती जला दी है, अब केक कटिंग होगा और उसके बाद हम सब लल्ला को आशीर्वाद देंगे, ब्लेसेस देंगे और फिर केक खाएंगे। तो हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ लाइट भी बहुत ज़्यादा कटती है गांव में, वैसे अभी तो लाइट है अभी तक कटी नहीं है लेकिन लग रहा है कि लाइट कहीं कट ना जाए, वैसे इन्वर्टर है लेकिन अब देखिए फ्रेंड्स बच्चे कैसे कर रहे हैं, इन्हें बस इसी पल का इंतज़ार था, इन्हें बस यही करना था। और बच्चे स्नो स्प्रे ले आए थे जिससे सभी के बाल में लग रहे थे जैसे फुहारे हैं और हमने आंचल से अपने अपने सर को ढक लिया था। तो बच्चों को तो बहुत ही मज़ा आता है ये सब करने में और लल्ला को तो बस केक पर ही ध्यान था कि कब केक कटिंग करेंगे और खाने के लिए मिलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लगा, ये बर्थडे यादगार हो गया, सभी लोग ने अपना सहयोग दिया, सभी लोग को दिल से धन्यवाद और बर्थडे मन गया। बस अब हम जल्दी जल्दी केक को कटिंग करेंगे और सभी को खाने के लिए देंगे क्योंकि बच्चों को केक बहुत पसंद है तो सभी को पता है, वैसे केक मुझे भी बहुत पसंद है, हम सब केक खाते हैं। और केक कटिंग अब हो गई तो मैं बोली कि अब जल्दी जल्दी मैं केक लाती हूँ क्योंकि सभी को केक खाना है। तो हमने तो बहुत इंजॉय किया, जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा अच्छे से लल्ला का जन्मदिन मन गया। तो आप सब भी प्लीज़ एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में हैप्पी बर्थडे लल्ला ज़रूर लिखिएगा, अच्छा लगता है आपका एक लाइक और एक कमेंट, हमें बहुत ही हिम्मत देती है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि हम अगले दिन कहीं जाने वाले हैं। तो वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।